आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग। लॉकडाउन पीरियड के 3 माह के बिजली के बिल माफ करने, गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में बिजली की दरें कम करने, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को हर माह 200 यूनिट बिजली फ्री देने, लॉकडाउन अवधि का 3 माह का बिजली बिल माफ करने, बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने, ऑडिट रिपोर्ट का पुनरीक्षण कराकर सामाजिक अंकेक्षण की अनुमति देने आदि मांगों को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी शहर जिला द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्व में भी आग्रह किया गया कि कोरोना लॉकडाउन अवधि के बिजली बिल माफ कर दिए जाने चाहिए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी पिछले 3 हफ्ता से आप चली बाजार नामक एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। हमारी यह भी पुरजोर मांग रही है कि 200 यूनिट तक की बिजली दिल्ली सरकार की तर्ज पर फ्री दी जानी चाहिए। वर्तमान में राजस्थान की बिजली दर 7 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा है। 5 तरह के अनावश्यक शुल्क, स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्ज, विद्युत शुल्क, नगरीय उपकर, अन्य शुल्क की वसूली जोड़ दें तो यह 10 रुपये से भी ज़्यादा हो रही है। वहीं बिजली विभाग स्टाफ होते हुए भी ठेकेदारों से काम क्यों करा रहा है? इतनी ज़्यादा बिजली की दरें वसूल कर जनता के साथ क्रूरता क्यों दिखाई जा रही है? मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सरकार तत्काल उचित कदम उठाकर प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत दे, अन्यथा सरकार इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अफाक अली, साउथ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत गैरवाल, संगठन मंत्री राजवीर सिंह, जिला सह कोषाध्यक्ष राजेश नायक, टैक्सी टेम्पो चालक जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार, महिला शक्ति उपाध्यक्ष विमला वर्मा, पूनम मेहरा, हेम नंदिनी, ऋषिदत्त शर्मा आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री के नाम राष्ट्रपति की मार्फत एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि बिजली बोर्ड की दरें कम की जाए, बिजली की दरें कम करी जाए और बिजली बोर्ड में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको कम किया जाए, क्योंकि जो भी नई लाइनें डलती हैं, नए कनेक्शन होते हैं उसके लिए आप ट्रांसफार्मर, ये लाइनें जैसे बिछ तो जाती हैं नई, लेकिन पुरानी लाइनों का कहीं हिसाब नहीं होता, कागजों में कहीं होता नहीं। दूसरा, ऑडिट बिठाई जाए, जो पोल गाड़े जाते हैं, जो लाइनें खींची जाती है उनकी कोई डिटेल नहीं होती और ये खुर्द-बुर्द करते हैं नेता और आपस में जो भी अधिकारी है, अधिकारियों की जांच हो। और जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये जो पुराने जो रिटायरमेंट है उनको वापस ये पोस्ट देते हैं, तो या तो ये इनकी सरकार की मिलीभगत होती है या वो नहीं चाहते कि सरकार पब्लिक के सामने बिजली के ये घाटे आए। और ये जो छीजत बढ़ रही है इसको कम करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं हम लोग, और 3 महीने का कोरोना काल में बिजली का बिल कम हो। दूसरा, बिजली उत्पादन का क्षेत्र रहा है राजस्थान, और राजस्थान में हर तरीके से बिजली पैदा होती है, उसको कम किया जाए। जो दिल्ली की तर्ज पे 200 यूनिट प्रति माह है वो बिजली की तर्ज पे कम किए जाए, प्रति माह 200 यूनिट। इसी को लेके और कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है जो बिजली बोर्ड में, उसको लेके आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं।